सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराते चेहरे किसी सपने से हैं, इनको आँखों से उतरने ना दो। बहुत सुकून है किसी को हंसाने में, कोई हर्ज नहीं थोड़ी इंसानियत दिखाने में। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा है बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आज का पंचांग 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 5:42 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:40 से 10:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी पूरे दिन रात, और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आज के दिन व्यापारिक कार्यों में बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में बिक्री और बढ़ेगी। किसी ऑफर स्कीम के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास देखे जाएंगे। ग्राहक की चहल पहल बढ़ने से बिक्री भी प्रभावित होती देखी जाएगी। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अपने अपने कामों को लेकर जागरूक देखे जाएंगे। पिछले कुछ समय से व्यवसाय में कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं। घर परिवार में कोई न कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान आदि देखा जा सकता है। कोई आध्यात्मिक चर्चा भी देखी जा सकती है। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि अधिक रहने वाली है। पिछले कुछ समय से व्यवसाय में कुछ बदलाव के योग बन रही हैं। अधिक स्रोत से धन प्राप्त आज होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप बड़ी सोच से काम लेंगे। यदि आप किसी वाहन की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपकी इच्छा आज पूरी होगी और आपको अपने परिजनों से आज तालमेल बनाए रखना होगा। सावधानियां, यदि आप किसी काम को करें तो उसमें धैर्य व साहस बनाए रखें, तभी वह पूरा हो सकता है। आप अपनी बातों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। करियर को लेकर चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, कोशिश करते रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने बच्चों को बॉल गेम के लिए या फिर म्यूजियम या पार्क लेकर जाएं। आप अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए कोई बड़ी पार्टी रखने की बजाय अंतरंग से मुलाकात रखनी चाहिए। अपारिवारिक जिम्मेदारियाँ आपकी प्राथमिकता बनेगी। बात करते हैं करियर की। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको अब धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवन शैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रही। आज आपके संदेह दूर हो जाएंगे
और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेगी। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज जब गरीबों को काले कपड़ों या काले कंबलों का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।